नमस्कार, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू, गुड इवनिंग। एंड आज हम बात करेंगे कंप्यूटर हिस्ट्री की। कंप्यूटर हिस्ट्री में सबसे पहले हम बात करेंगे कि कंप्यूटर की खोज कहाँ से शुरू हुई, कहाँ से ये शब्द की उत्पत्ति शुरू हुई, क्या ऐसा विचार आया कि कंप्यूटर बनाया जाए, ये दिमाग में आया। तो सबसे पहले बहुत हजारों साल पहले, करीबन 150 से 100वीं ईस्वी, उस समय में जब टेक्नोलॉजी और चीज़ें नहीं थी ज़्यादा विकसित, तब भी लोग अपने गणनाओं को करने के लिए माध्यम निकाल के रखे थे। जैसे बहुत पहले के समय में एक इसांगो की हड्डी थी, जो ये दाहिने साइड में आपको दिख रही है, ये है इसांगो की हड्डी। इसमें छोटी छोटी लाइनें दिख रही होंगी आपको। इन्हीं लाइनों के माध्यम से लोग गिनतियों को याद रखते थे, किसी को लेन देन करते थे तो इसी माध्यम से वो याद रखते थे। दूसरी तरफ दिख रहा है सबसे पुराना रेखीय गणितीय संगणक। ये एक बहुत ही पुराना प्राचीन सा मिला हुआ एक टुकड़ा जैसा है। इसके माध्यम से ये दिख रहा है कि करीबन 150 से 100वीं ईस्वी पूर्व भी दुनिया में गणनाओं का माध्यम था, जिसमें गणनाएं की जा सकती थी। अब हम बात करते हैं नए युग की, लेकिन उससे पहले जो ये अबेकस यंत्र दिख रहा है, ये बच्चे स्कूलों में गिनती याद करने के लिए, पढ़ने के लिए प्रयोग में लाते हैं, लेकिन इसका भी बहुत पुराना इतिहास रहा है। करीबन 300 ईस्वी पूर्व इसकी खोज हो चुकी थी। कहा जाता है कि इसकी खोज हुई थी चाइना में, लेकिन कितना सही कितना गलत कुछ ज़्यादा कंफर्म नहीं है। तो जैसा ये चित्रों में दिख रहा है, ये बच्चे कुछ गिनती सीखने की कोशिश कर रहे हैं एबेकस के माध्यम से। और यहाँ पे दाहिने साइड में दिया गया यंत्र जो है, ये भी एबेकस है। इसके माध्यम से भी जोड़ घटाव गुणा भाग किया जा सकता है। दूसरी तरफ दिख रहा है एक बच्चा जो भी एबेकस की सहायता से कुछ गिनती जोड़ घटाव करने की कोशिश कर रहा है। आज भी इसका प्रयोग स्कूलों में, छोटे प्ले स्कूलों में बच्चों के प्रयोग किया जाता है। जो आप देखते जा रहे हैं, अगर चाहें तो उसको आप कॉपी में लिख भी सकते हैं। जैसे हमने पहले बात की इसांगो के हड्डी की, और स्लाइलूड की एक रेखा गणितीय यंत्र था उसकी, इसके बाद में हमने बात की एबेकस की, आप उसको कॉपी में लिख सकते हैं पॉइंट बना के। तीसरे पॉइंट में बात आती है स्लाइड रूल की। इसका भी अपना एक इतिहास रहा है, ये भी गणित के क्षेत्र में बहुत ही महत्वपूर्ण यंत्र रहा है। यहाँ पे एक फ़ोटो दिख रही है जिसमें दो व्यक्ति हैं, पहला है विल हॉवलेट और दूसरा है डेविड पैकर्ड। ये दोनों आदमी कोई आम आदमी नहीं हैं, यही वो व्यक्ति हैं जिन्होंने HP कंपनी बनाई। पहले हैं विल हॉवलेट, दूसरे हैं डेविड पैकर्ड। इन्हीं दोनों के सरनेम हॉवलेट और पैकर्ड को मिला के HP यानी कि हॉवलेट पैकर्ड कंपनी का नाम पड़ा। इसमें हम देख रहे हैं कि स्लाइड रूल की जो रूपरेखा है वो अस्तित्व में कैसे आई। तो इसमें सबसे पहला नाम आता है सर जॉन नेपियर्स का, जिनका जीवन काल रहा है 1550 से 1617। सर जॉन नेपियर्स साइंटिस्ट हैं जिन्होंने स्लाइड रूल की संरचना दी। इन्हीं के स्लाइड रूल के माध्यम से गणनाओं की आसानी संभव हो पाई। इनके बारे में अगर बात की जाए तो इनके रूल को इस्तेमाल किया जाता है लॉगरिथम में, और सर जॉन्स नेपियर के इस इतिहास के पन्नों में जो इन्होंने दिया स्लाइड रूल, उसको कहा जाता है नेपियर्स बोन्स। इनके नेपियर्स बोन्स मीन्स स्लाइड रूल के माध्यम से अर्थमेटिक और मैथमेटिक्स डेसिमल पॉइंट में निकाल पाना संभव हो पाया। इनके इतिहास की बात करें तो नेपियर्स का बर्थ प्लेस कहा जाता है मर्सिंगटन टावर इन एडिनबर्ग, ये स्कॉटलैंड में है। और इसके बाद में सर जॉन नेपियर्स ने 1612 में इस अर्थमेटिक और लॉगरिथमिक स्लाइड रूल का इन्वेंशन किया। इसके बाद में 1622 में ही विलियम ऑर्टर ने सर नेपियर्स के ही रूपरेखा को देखते हुए दूसरा नेपियर्स लॉगरिथम प्रस्तुत किया लोगों के बीच में। ये जो चित्र में दिख रहा है, ये स्लाइड रूल है जो कि नेपियर्स के द्वारा दिया गया था, और
इस स्लाइड रूल का इस्तेमाल नासा के वैज्ञानिकों ने और अपोलो के प्रोग्राम में इसका इस्तेमाल किया था। अपोलो पहला वो अंतरिक्ष यान था जो कि आसमान में गया था। इसके बाद में हम बात करते हैं स्लाइड रूल का। ये फिगर जो दिख रहा है येलो कलर का, पीले कलर का, इसमें कुछ चीज़ें दर्शाई गई हैं कि किस किस भाग को क्या क्या कहा जाता था। आज भी इस स्लाइड रूल का प्रयोग होता है। जब से ये अस्तित्व में आया है तब से ही इसका प्रयोग लगातार होता जा रहा है और गणित के क्षेत्र में और आजकल ज़्यादातर हर एक चीज़ में इसका इस्तेमाल होता ही होता है। तो आप इस चित्र को बनाना चाहें तो वीडियो को पॉज करके बना सकते हैं। इसके बाद में यहाँ पे आपको दिख रहा है एक चित्र दाहिने हाथ पे और एक बाएं हाथ पे। बाएं हाथ का जो चित्र है इसमें हाई स्कूल में 1930 ईस्वी में, सॉरी 1930 में हाई स्कूल में इलेक्ट्रॉनिक्स कैलकुलेशन की क्लास चल रही है, जिसमें कि आपको ब्लैक बोर्ड पे एक बड़ा सा स्लाइड रूल लटका हुआ दिख रहा है। उसी स्लाइड रूल के माध्यम से साइज की गणना की जा रही है। और दूसरी तरफ है एक MIT संस्था है जिसकी ये प्रदर्शनी में लगाई गई तीन अलग अलग प्रकार की पटरियां हैं। पहली पटरी जो सबसे ऊपर है सफ़ेद रंग की, जिसका प्रयोग हुआ था अपोलो में, वो है, उसका नाम है कोइफल एंड एजर मॉडल 4081। उसके नीचे जो पटरी है उसका नाम है थ्री ब्रिल रूल बैटली स्लाइड रूल। और तीसरी जो सबसे नीचे की पटरी है उसका नाम है ट्रैफिक मैनेजर स्लाइड रूल। आप इसको लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। इसके बाद में हमें एक नाम नहीं भूलना चाहिए जो कि कला के क्षेत्र में बहुत ज़्यादा प्रचलित है और माना जाता है, लियोनार्डो दा विंची। इन्हीं की एक सबसे प्रसिद्ध आकृति चित्र है लियोनार्डो दा विंची के नाम से, जो प्रसिद्ध बहुत ज़्यादा मशहूर है, मोनालिसा। तो लियोनार्डो दा विंची ने बहुत पहले ही एक कैलकुलेटिंग मशीन का चित्र दे दिया था। हालांकि ये चित्र ही बना रह गया था, इसको अस्तित्व में नहीं बनाया जा सका था, लेकिन बाद में बहुत आगे 17वीं शताब्दी में इसको वास्तविक रूप दिया गया मनीष मशीन के माध्यम से। इसी क्रम में साइंटिस्ट विलियम सेकर्ड ने, जिनका जीवन काल रहा है 1592 से 1635, इन्होंने कैलकुलेटिंग क्लॉक दिया 1623 में। ये कैलकुलेटिंग क्लॉक गणनाएं करता था। इसके बारे में आप विस्तृत रूप से भी पढ़ सकते हैं गूगल के माध्यम से। बस आपको गूगल पे जाके डालना है कैलकुलेटिंग क्लॉक। इसके बाद में आपको इसकी और ज़्यादा अधिक जानकारी मिल जाएगी, लेकिन शुरुआती दौर में इतनी अधिक जानकारी लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। बस हमें ये पता होना चाहिए कि शुरुआती दौर में कौन कौन सी मशीनें बनी जहाँ से वास्तविक कंप्यूटर को एक रूपरेखा मिली। इसी क्रम में एक नाम आता है जैक्स डी वैकेनसन। इन्होंने जैकवार्ड लूम, यानी कि जो कपड़े बनाने के लिए लूम मशीन का इस्तेमाल होता है, उसका सबसे पहला सफल पूर्वक मशीन का निर्माण इन्होंने ही किया था और इन्हीं के नाम पे रखा गया मशीन का नाम जैकवार्ड लूम, जिसका चित्र आपको दाईं तरफ दिख रहा है। इसके माध्यम से ही बुनकर कपड़े बुनते हैं। ये एक बहुत बड़ा सा चित्र आपको दिख रहा है उसी जैकवार्ड लूम का, जो कि 1752 से 1834 के बीच में आया। इस मशीन के माध्यम से कपड़े की बुनाई बहुत ही आसान और सरल तरीके से की जा सकती थी। इसमें जैसे कि दिया गया है कुछ पॉइंट, ये कुछ पॉइंट दिए गए हैं जो आप चाहें तो लिख सकते हैं। जैसे यूज्ड मेटल कार्ड विथ पंच्ड होल्स टू गाइड वेविंग प्रोसेस। इसमें आपको छेद दिख रहे होंगे, ये सफ़ेद पट्टियाँ जो है इसमें, इन्हीं छेद के माध्यम से जो वेविंग मशीन है उसको गाइड किया जाता था कि कहाँ पे पंच करना है। दूसरा पॉइंट है फर्स्ट स्टोर्ड प्रोग्राम मेटल कार्ड्स। ये सबसे पहला कंप्यूटर प्रोग्राम भी कहा जाता है इसको, कि जिसके माध्यम से कंप्यूटर को दिशा निर्देश मिलते थे कि किस तरीके से उसको काम करना है। आखिरी लास्ट सेकेंड पॉइंट है फर्स्ट कंप्यूटर मैन्युफैक्चरिंग, इसको पहला कंप्यूटर भी कहा जाता है। लेकिन हालांकि इसका अस्तित्व उतना ज़्यादा अच्छा नहीं रहा है, लेकिन इसका प्रचलन आज भी है बुनकरों में, इसलिए इसको हम नज़रअंदाज नहीं कह सकते हैं। हालांकि इसकी रूपरेखा बनावट थी, लेकिन इसका प्रयोग होने लगा कपड़ों की बुनाई में, इसीलिए इसको पूर्ण रूप से कंप्यूटर के अस्तित्व में नहीं